अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर के बाद मैं आपको क्या दूंगा, इंशाल्लाह एक असाइनमेंट दे के आज भेजूंगा मैं। क्या इसमें बताया जा रहा है? लिंक्स। अच्छा, लिंक्स जो है ना, इस चैप्टर में क्या है इन्होंने बताया, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, लिंक्स टू अदर साइट और ईमेल लिंक। अब ये देखते हैं ये तीनों क्या चीज़ हैं, आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है कि लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब। लिंक्स जो है वो क्या है, वेब का डिफाइनिंग फीचर है। हमने जो HTML पढ़ा था, HTML के अंदर जो हाइपर टेक्स्ट जो है शुरू वाला, वो क्या है कि जी किसी भी टेक्स्ट को आप टच करेंगे तो वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो ये वो वाली अब जगह शुरू हो गई है जहाँ पे वो टेक्स्ट रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया हमारा, कि जी वो लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे तो वो हमें कुछ कहीं लेके जाएगा, किसी दूसरी जगह लेके जाएगा। अच्छा, वो दूसरी जगह क्या हो सकती है? वो उसी पेज का कोई दूसरा सेक्शन हो सकता है, या कोई उसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज हो सकता है, या कोई दूसरी वेबसाइट हो सकती है। तो ये तीन चार तरह के लिंक्स हो सकते हैं, वो एक एक करके हम सारा पढ़ते हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जी लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, कि एक पेज से दूसरे पेज पे ये मूव करने के लिए हमें अलाउ कर देता है। तो ये इस वजह से डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि जो हम करते हैं ना वेब सर्फिंग हम कहते हैं, या वेब ब्राउजिंग कहते हैं हम। ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है कि जी जैसे आप बुक खोल के, बुक के पन्ने ऐसे पलट रहे हैं आप, बचपन में होता था ना, हम तस्वीरें देखते थे बुक में, पढ़ना तो आता नहीं था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनको कोई मैगजीन वैगजीन मिल जाए ना कलरफुल सी, तो वो उसको यूँ ऐसे पलटते रहते हैं, उसकी वो फ़ोटो देखते हैं, फिर उस पर थोड़ी देर में उसको फाड़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो जब वो फ़ोटो देख लेते हैं तो उसको फाड़ वाड़ के बराबर कर देते हैं। तो उस पलटने को हम एक्चुअली ब्राउजिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है। या सर्फिंग अगर जैसे हम कह रहे हैं, अगर तो सर्फिंग वैसे तो स्पोर्ट्स भी है सर्फिंग, उसमें क्या होता है, आप इधर से उधर फिर रहे होते हैं, एक बड़ी सी आपको जगह मिल जाती है, वहाँ पे बर्फ़ बर्फ़ होता है तो उस पर वो आप फिर रहे होते हैं, या तो वो जो वेव्स होती हैं, जो करंट्स, वो उसके अंदर वो सर्फ कर रहे होते हैं। तो वो कुछ कुछ एक्चुअली काम नहीं होता वो सर्फिंग में, ये नहीं होता कि जी अच्छा वहाँ तक जाना है, या कोई जैसे जैसे बंदा जहाज़ में बैठता है ना, नहीं जी मैंने कराची जाना है, तो सर्फिंग में इस तरह का कुछ नहीं होता। सर्फिंग में तो इधर से उधर फिर रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है, दैट्स इट। तो सर्फिंग और ब्राउजिंग, ये दोनों, इसका क्या मतलब है कि बस इधर उधर फिर रहे हैं, अंदर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। तो वेब ब्राउजिंग और वेब सर्फिंग इज़ बिकॉज ऑफ लिंक्स। ये हो ही नहीं सकता लिंक्स के बगैर, कि एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा ही नहीं सकते जब तक लिंक्स ना हो। तो इसलिए इन्होंने ये कह दिया कि यार ये ना डिफाइनिंग फीचर है। जी दोस्त, कुछ सवाल है आपको? अच्छा, इनेबलिंग द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग और सर्फिंग, कह रहे यही इसी से इनेबल होता है ये ब्राउजिंग और सर्फिंग दोनों। अच्छा, आ जाते हैं जी, क्या बात हो रही है आगे। राइटिंग लिंक्स, कह रहा है कि लिंक को लिखा कैसे जाएगा, इसके लिए कह रहा है कि जी ये ए का एलिमेंट लगेगा, ए लिखा हुआ है इसके अंदर, ये वाला एलिमेंट इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, एंकर एलिमेंट कहते हैं। एंकर एलिमेंट्स के जरिए इसको लिंक को बनाया जाता है। अच्छा, यूज़र कैन क्लिक ऑन एनी थिंग बिटवीन द ओपनिंग एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग। यू स्पेसिफाई विच पेज यू वॉन्ट टू लिंक यूजिंग HREF एट्रीब्यूट। इसमें भी इसने दो बात की है, इसने कहा ये ओपनिंग, ये टैग यहाँ तक है, ये ठीक है ना, ओपनिंग टैग ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है ये ओपनिंग टैग है, सही है। अच्छा, और इसके दरमियान में ये IMDB लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और क्लोजिंग टैग, ये इतना पार्ट जो है वो क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो क्या होगी, यूज़र के स्क्रीन पे क्लिकेबल नज़र आएगी, क्लिक होने वाली चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, कैसे स्क्रीन पे दिखेगी ये, ज़रा ये अगले पेज पे इन्होंने दिखाया हुआ, इस तरह से दिखेगी, हल्का सा पर्पल कलर की दिखेगी ये, और इसके नीचे एक लकीर लगी हुई होगी, और इस पर क्लिक किया जा सकता होगा, इस पर जब हाथ लेके जाएंगे तो वैसे हाथ बना हुआ जाएगा क्लिक वाला। जी दोस्त, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये इंशाल्लाह हम समझेंगे जब हम सर्वर को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो उस वक्त इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये SSL से इसका ताल्लुक़ होता है, ठीक है। हम SSL सर्टिफिकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब हम सर्वर के अंदर जब बिक्रिप्ट को डिस्कस करेंगे ना, बिक्रिप्ट हैश को, और हम डिस्कस करेंगे ऑथेंटिकेशन को,
और हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोग्राफी को, तो वहीं पे ये एसएसएल भी डिस्कस हो जाएगा कि ये एसएसएल कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, ये असल में फ्रंट एंड और बैक एंड का एक हैंडशेक होता है, ये डिजिटली साइंड एक सर्टिफिकेट होता है, उसके ज़रिए हैंडशेक होता है। अब ये एक लंबी स्टोरी है इसकी, तो वो इस तरह समझ नहीं आएगी 2 जुमलों में। वो हम एक पूरी क्लास 2 घंटे की हमारी इंशाल्लाह क्रिप्टोग्राफी के ऊपर और ये इस हैंडशेक के ऊपर और ऑथेंटिकेशन पे पूरी 2 घंटे की अभी थ्योरी वाली क्लास होगी, लेक्चर होगी, जिसमें आपको पूरी स्टोरी समझाऊंगा कि शुरू कहाँ से हुआ और ये अब क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग तो जी समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद ये एच रेफ का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, एच रेफ यहाँ से शुरू है और इसकी ये वैल्यू लगी हुई है। एच रेफ के वैल्यू में मैं किसी भी वेबसाइट का लिंक दूंगा तो ये क्लिक करने से उसी वेबसाइट पे चला जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं जी, हम देख लेते हैं क्या रिपोर्ट है। अच्छा, तो मैं अपने पास ना एक बना लेता हूँ इस तरह का। मिसाल के तौर पे ये मेरा रिज्यूमे बना हुआ है ना, कॉपी पाथ किया मैंने, उसको ज़रा ओपन कर लेता हूँ मैं, कुछ इस तरह का बना हुआ है रिज्यूमे मेरे पास। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने लास्ट में लिखा हुआ है बायोडेटा। अब बायोडेटा के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि यार माई सोशल लिंक्स। सही है, मैं लास्ट में आता हूँ और मैं यहाँ पे एक और यूएल बना देता हूँ। ठीक है, एक यूएल मैंने बना दिया और मैंने लिख दिया। अच्छा, यूएल से पहले एक H2 भी लगाते हैं ना, हेडिंग तो लगाएं, सोशल लिंक्स। ठीक है, और इसके अंदर यूएल के अंदर मैंने LI लिखा पहला, सबसे पहला जी फेसबुक। ठीक है, फेसबुक हो गया। अच्छा जी, दूसरा हो गया मेरे पास लिंकडिन। ठीक है जी, तीसरा हो गया जी यूट्यूब और चौथा हो गया गिटहब। सही है, 4 लिंक इनफ है आई थिंक। अच्छा, अब ये मेरे पास स्क्रीन पे किस तरह का दिख रहा है अभी फिलहाल। स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, इसके नीचे ज़रा मैं BR लगाता हूँ ताकि ये ऊपर ला सकूँ मैं स्क्रीन को। ठीक है, ये स्क्रीन को ताकि ऊपर तक स्क्रॉल हो, जब इसके लिए लाया मैंने। ठीक है, यहाँ तक स्क्रॉल हो पा रहा है इसकी वजह से। तो ये कुछ इस तरह से ये सोशल लिंक आ रहा है। अब इसके अगेंस्ट मैंने क्या लगाना है, एक URL लगाना है। अच्छा, इसके अगेंस्ट मैं एक URL लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी सही है, ये मैंने URL लगा दिया। अच्छा, ये URL यहाँ पे शो भी हो गया, लेकिन ये URL क्लिकेबल नहीं है। अगर इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये चल जाएगा, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। चला नहीं है बाय द वे, इंटरनेट बंद, व्हाई इज दैट। फेसबुक बंद, सर्वर डाउन हो गया यहां, फेसबुक का। आर यू श्योर? कल मैं ट्राई करा तो। अच्छा, YouTube.com तो चलता होगा। हाँ, वो शायद इन्होंने फायरवॉल वगैरह कुछ लगा दिया होगा। अच्छा जी, तो ये आ गया ये चैनल का लिंक। चलो इस पे करते हैं ना, ये YouTube के आगे मैंने ये लिंक लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या होता है जी कि ये लिंक भी क्लिकेबल नहीं है मेरे पास। अब मैं इसको क्लिकेबल कैसे बनाऊंगा? क्लिकेबल बनाने के लिए इसको मैं करूंगा एंकर टैग में रैप करूंगा। अब आप नोट करें कि क्या हुआ है, ये LI यहां से शुरू है और ये यहां तक LI खत्म है, और इस LI के अंदर मैंने YouTube लिखा है और उसके बाद एक लिंक लिखा है जिसको मैंने एंकर टैग में इनक्लोज कर दिया। अच्छा, इसमें HREF नहीं लगाया मैंने अभी। अब ये लिंक क्या हो जाएगा? अच्छा, क्लिकेबल नहीं होगा क्योंकि HREF नहीं लगा हुआ, तो उसको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, HREF लगाना पड़ेगा हमें। HREF लगाकर
और एचरेफ में अभी मैं हैश लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हैश का मतलब होता है कि क्लिक तो हो लेकिन कहीं जाए नहीं, उधर ही रहे, इसी पेज पे रहे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लिकेबल हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इस पर क्लिक पे कहीं जाएगा नहीं है, ये इसी पेज पे घूम के वापस आ जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो क्या करना है कि इसके लिंक की क्लिक के ऊपर मुझे यूट्यूब पे लेकर जाना है उसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एचरेफ के अंदर भी वही वाला पूरा का पूरा लिंक लगाऊंगा जो मैंने टेक्स्ट पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हो गया ये। तो अब ये सिचुएशन ऐसी है कि एल आई यहाँ से शुरू है और ये एल आई यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। और उस एल आई के अंदर एक यूट्यूब लिखा हुआ है, उसके बाद एक पूरा का पूरा एंकर एलिमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ आके देखते हैं अब, अभी भी ये उसी तरह है लेकिन अब ये क्लिकेबल है। अब क्लिक करता हूँ मैं तो ये मुझे यूट्यूब के इस चैनल पे लेकर आ जाता है, ठीक है। बैक करता हूँ तो बैक चला जाता है। अच्छा, सेट हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, क्या अब मुझे ये ज़रूरत है कि मैं इसको क्लिकेबल बनाऊँ या मैं इसी को ही लिंक बना दूं? मिसाल के तौर पे फेसबुक के केस में मैं क्या करता हूँ, फेसबुक को ही लिंक बना देता हूँ मैं, और हम देख लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं दोनों के। अब मैं फेसबुक का ये कट करता हूँ और इसको पूरे को मैं एक एंकर एलिमेंट में रैप करता हूँ, सही है। तो मैंने इस केस में क्या कर दिया है, इस केस में मैंने ये कर दिया है कि मेरा एल आई यहाँ से शुरू है और ये यहाँ तक ख़त्म है, और इस एल आई के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है बल्कि डायरेक्ट एक एंकर एलिमेंट मौजूद है, और उस एंकर एलिमेंट के अंदर जो है वो फेसबुक लिखा हुआ है और उसके ऊपर ये यूआरएल लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये फेसबुक ही क्लिकेबल हो गया। यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख के उसको क्लिकेबल बनाया था, यहाँ पे फेसबुक इटसेल्फ क्लिकेबल हो गया। अच्छा, जब भी आप इस पर हाथ रखते हैं ना फेसबुक पे, तो नीचे देखो लिंक लिखा हुआ आता है स्क्रीन के कोने पे ना, यहाँ पे एक लिंक बना हुआ आ रहा होता है कि इसको क्लिक करने से कहाँ ये जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फेसबुक पे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फेसबुक शायद यहाँ पे फायरवॉल पे बंद है तो इसलिए फेसबुक पे ये नहीं जाता है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा मुझे लगाना चाहिए और कौन सा मुझे नहीं लगाना चाहिए, जी बताएं क्या ख्याल है आपका? ये फर्स्ट वाला तरीका ज़्यादा सही है कि फेसबुक के नाम को ही मैं क्लिकेबल बना दूं, या सेकंड वाला ज़्यादा सही है कि सामने यूआरएल लिख के और यूआरएल को क्लिकेबल बनाऊं? क्यों? कुछ दोस्तों ने कहा कि ये फेसबुक वाला ज़्यादा सही है, तो मुझे बताएं कि क्यों, और जो लोग कह रहे हैं कि ये वाला ज़्यादा सही है वो भी बताएं कि क्यों क्यों ज़्यादा सही है। अच्छा, आप लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं, आप लोग बिल्कुल ओपिनियन दे सकते हैं इस पर। इसके लिए HTML अब तो अभी पढ़ रहे हैं आप, लेकिन HTML पढ़ना आना ज़रूरी नहीं है। इन दोनों में से कौन एज अ यूज़र आपके लिए कौन सा ज़्यादा सही है? अच्छा, एक दोस्त ने कहा है कि जो सेकंड वाला है वो CV में ज़्यादा सेचुरेटेड फील कराएगा, तो इसलिए फर्स्ट वाला ज़्यादा सही है, ठीक है। अच्छा, और जो लोग कह रहे हैं कि सेकंड वाला ज़्यादा, कोई है ऐसा जो सेकंड वाले को सही कह रहा है? अच्छा, सब लोग फर्स्ट वाले को ही सही कह रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जो सेकंड वाले को सही कह रहा है? अच्छा, ये चीज़ केस टू केस वेरी करती है, और इस केस में सेकंड वाली अप्रोच ज़्यादा सही है, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ कि क्यों। अच्छा, आ जाते हैं। एक देखो, CV है ना, तो CV वैसे तो ये ऑनलाइन है लेकिन कभी ना कभी इसको प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, जब मैं करता हूँ Ctrl P तो देखते हैं क्या होता है। पर Ctrl P बिना प्रिंट में ये आया। अब एक कागज़ पे जब ये प्रिंट होगा ना तो कुछ इस तरह से होगा। अभी तो ये पता नहीं लैंडस्केप हुआ हुआ है, लैंडस्केप हुआ हुआ है, क्या हुआ भाई? हाँ, पोर्ट्रेट, सही है, ये मेरा पोर्ट्रेट पेज तैयार हो गया। तो जब ये कागज़ के ऊपर प्रिंट होगा ना तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से प्रिंट हो गया, तो प्रिंट होने के बाद तो ये क्लिकेबल तो नहीं रहेगा पहली बात, क्यों, कागज़ पे प्रिंट हो गया। तो ये वाला जो अप्रोच है वो प्रिंट अगर किसी डॉक्यूमेंट को करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, तो उसमें ये वाली अप्रोच है। अच्छा, इसका एक और भी हल होता है, इसका एक और भी हल होता है। हम इसके ऊपर ना एक लॉजिक लगा देते हैं, इसके ऊपर एक लॉजिक लगा देते हैं कि प्रिंट पे ये इस तरह का दिखे
और वैसे ही इस तरह का दिखे, ऐसा दिखे। सही है, एक लॉजिक ये भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। वो हम लगाते हैं सीएसएस के ज़रिए, वो हम सीएसएस के ज़रिए लॉजिक लगा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नज़र उसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ है वो। ठीक है, हम ये कहते हैं कि प्रिंट के ऊपर ना इसको कुछ और डिस्प्ले करा दो। ठीक है, कुछ इस तरह से कह रहे होते हैं। कि मिसाल के तौर पे मैं ये एल आई है ना एक, इसके ऊपर मैं एक क्लास लगा देता हूँ कि यार नॉन प्रिंट, सही है। और इसी का एक मैं दो बना दूंगा, ये एक्चुअली दो बनाऊंगा मैं ये, और एक को मैं लगा दूंगा कि प्रिंट, प्रिंटेबल। ठीक है, मैंने ये दो बना दिया एक्चुअली। अभी ये स्क्रीन पे दो दिख रहा होगा, सही है। अभी ये स्क्रीन पे, अच्छा दूसरा वाला मुझे वो यूआरएल वाला बनाना है ना, दूसरे वाले को मैं यूआरएल भी तो लगा दूं उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो मैंने एक फेसबुक कैसा बना दिया, ये वाला क्लिकेबल, और एक बना दिया ये वाला क्लिकेबल। ठीक है, दोनों तरह का एक एक बना दिया मैंने। अब मुझे एक को क्या करा दूंगा मैं, नॉर्मल पे डिस्प्ले करवा दूंगा, और एक को मैं जब प्रिंटेबल होगा तो जब डिस्प्ले करवा दूंगा। सही है, तो इस तरह से हो गया ये। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी हमने सीएसएस पढ़ा नहीं है बाय द वे, लेकिन सीएसएस हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ऊपर आके स्टाइल का टैग लगाता हूँ छोटा सा, चुन्ना मुन्ना सा, और यहाँ पे आके मैं क्या बोल दूँगा, मैं बोल दूँगा कि यार जब ये प्रिंट हो ना, अच्छा वो प्रिंट वाला मैं कहाँ गया, जो कॉपी किया था मैंने यहाँ से, मैंने कहा भाई जब प्रिंट हो ना तो आप क्या करो, आप डॉट पीएनटी ए प्रिंटेबल, जो है प्रिंटेबल को क्या कर दो, आप शो कर दो डिस्प्ले ब्लॉक में भी। ठीक है, इन लाइन ब्लॉक एक्चुअली, ठीक है, या एक्चुअली या विजिबिलिटी भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन विजिबिलिटी में ये होता है कि वो सेल में जगह छोड़ रहा होता है, जगह नहीं वो करता वो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रिंटेबल जो है उसको डिस्प्ले कर दिया मैंने, और जो नॉन प्रिंटेबल है उसको मैं कर दूंगा कि जी डिस्प्ले डन, ये कर दूंगा मैं, एक को डिस्प्ले करूंगा दूसरे को नहीं करूंगा डिस्प्ले। तो अब क्या होता है कि मेरी ये स्क्रीन पे जो दो दिख रहे हैं ना, दोनों ये मेरी स्क्रीन पे जो दोनों दिख रहे हैं, इसको मैं क्या करूंगा, जब मैं प्रिंट करूंगा तो इसमें से एक नज़र आएगा, दूसरा नहीं आएगा, एक नज़र आ रहा है, ठीक है, दूसरा नहीं आ रहा। अच्छा अब जब प्रिंट नहीं हो रहा है, अगर है ना, जब प्रिंट नहीं हो रहा है तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, इसका अपोजिट कर दूंगा, यही बात लिखूंगा और इसको अपोजिट कर दूंगा ना। ठीक है, जो प्रिंटेबल है उसको मैं यहाँ से नन मार दूंगा, नन, और जो नॉन प्रिंटेबल है उसको मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। सही है। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक करने से इसका ये वो उड़ा देता है यार। अच्छा, जो नॉन प्रिंटेबल है उसको मुझे डिस्प्ले करने की तो ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्प्ले ही है, जस्ट मुझे प्रिंटेबल को गायब कराने की ज़रूरत है ना, तो इससे मेरा ये बुलेट पॉइंट भी इसमें रहता है। सही है, अब मैंने लगाया दो है लेकिन एक को मैंने हाइड किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। सही हो गया, तो ये मैंने जो डिस्प्ले नन किया था इसको मैंने क्या कर दिया, ये प्रिंटेबल जब प्रिंट होता है तो उसको वापस से मैंने डिस्प्ले कर दिया, उसको इनलाइन ब्लॉक नहीं, मुझे जस्ट ब्लॉक करना पड़ेगा शायद। अच्छा, ये डिस्प्ले इसका चेंज करने से ये बुलेट ख़त्म हो जाता है इसका, समहाउ
आई एम नॉट श्योर वाई, बट ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये काम मैं ज़रूरी नहीं है कि पूरे बुलेट पॉइंट के ऊपर भी करूँ, ये मैं उसके अंदर भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल तो मैंने मसला हल कर लिया ना अपना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं है कि ये मैं क्लास किधर लगाऊँ, इसके अंदर लगाऊँ, मैं उसके एच एर एफ के ऊपर भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, एक एल आई को यहाँ से गायब करा देता हूँ पूरे को, एक ही एल आई के अंदर दोनों काम हो जाते हैं मेरे। ठीक है, असल में अब ये क्या है, अब ये एक एल आई है और इसके अंदर दो एंकर टैग्स लगे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक एंकर टैग को मैं गायब करा सकता हूँ इस तरह करके ना, ये क्लास लगा के इसके ऊपर। ठीक है, वेल, तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि क्या हो गया मेरे पास, मेरे पास जो ये वाली जो अप्रोच है वो सीवी के अंदर जब प्रिंट करूँगा मैं, तो मुझे लिंक ज़ाहिर है लिखा हुआ चाहिए अलग से, और जब मैं प्रिंट नहीं करता हूँ, जब मैं वेब में होता हूँ, तो फिर मुझे क्या चाहिए होता है, इस तरह का ज़्यादा क्लीन लगता है। ठीक है, तो इस तरह करके मैं क्या कर लूँगा, तीनों चारों जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, आज वो लिंक्डइन भी लगा लेते हैं। अच्छा, ये आ गया जी लिंक्डइन। ठीक है जी, इसको मैंने क्लास दे दी, क्या ये प्रिंटेबल। ठीक है, और इसी का नॉन प्रिंटेबल बना लेता हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये सबसे पहला मैंने जो बना लिया है वो किसका बना लिया है, फेसबुक का प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल, उसके बाद लिंक्डइन का प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल, उसके बाद यूट्यूब का भी मैंने सेम काम करना है। ठीक है, यूट्यूब का भी मैंने क्या कर देना है, सेम काम कर देना है। एल आई बनाया मैंने, इस पर मैंने क्लास लगा दी। अच्छा, गिट हब रह गया, एक गिट हब को भी देख लेते हैं। ये जी हो गया मेरा क्लास प्रिंटेबल, और इसी तरीके से ठीक है जी, ये सबके दो दो बन गए, ये सारा क्लिकेबल है, और जब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल पी करता हूँ जब, तो ये सारा इस तरह लिखा हुआ आता है। ठीक हो गया जी, इसके बुलेट्स बुलेट्स लेकिन इसके गायब हो गए समाओ, वो हम जब सीएसएस पढ़ेंगे डिटेल में तो हम वो देख लेंगे कि वो बुलेट क्यों नहीं आ रहे और क्या चक्कर है उसका, वो हम जब देख लेंगे। तो ये मैंने क्या पढ़ लिया जी, ये मैंने पढ़ लिया लिंक्स पढ़ लिए हमने, थोड़ा सा स्टार्ट किया लिंक्स एक्चुअली हमने अभी अभी, इसको ज़रा कोड को ना इंडेंट कर लेते हैं हम। सही है, कोड को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, कोड की क्लीनिंग कर रहे हैं हम एक्चुअली अभी राइट नाउ। सही है, ये वाला कोड जो है वो एक लाइन में ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और ये वाला कोड जो है वो तीन लाइनों में ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा लंबा है। ठीक है, अच्छा, मैंने 80 कैरेक्टर के ऊपर ना 80 कैरेक्टर के ऊपर एक लकीर भी खींची हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये लकीर जो आ रही है, तो ये मेरा जो ये वाली लाइन है फेसबुक वाली, ये ज़रा 80 कैरेक्टर से आगे निकल रही है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि 80 कैरेक्टर के ऊपर ना मैं लाइन को क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। अच्छा,
लेकिन अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन ज़रा वाइड स्क्रीन होती है, पहले जो स्क्वायर होती थी ना, तो आजकल वाइड स्क्रीन पे मैं 120 तक भी जा सकता हूँ। आप देखें कि ये 80 कैरेक्टर पे मैंने लाइन तो लगाई हुई है, लेकिन असल में मैं 120 कैरेक्टर तक जा सकता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो लेकिन मैंने वहीं तक जाना है कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना करना पड़े मुझे। अभी आप देखें मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये वाला जो जगह है ना, ये वाली जगह, इस पर ये लाइन मेरी छुप जाती है। तो दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस कि अगर आपकी लाइन इस तरह आगे जा रही है ना और आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ता है अपनी स्क्रीन को, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो उसको आप क्या करेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे, आप हाथ से करेंगे। अच्छा, कुछ टूल्स भी आते हैं जो जिनसे आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसको हाथ से लाइन ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये जब भी इस लाइन से आगे जा रहा होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी ये आगे है इस लाइन से, तो इसको हम और लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये मैंने क्या कर लिया, इसको तीन लाइनों में कर दिया, और ये जी मेरा नॉन प्रिंटेबल जो है वो ये ऊपर आ गया। अब देखो कोड की क्लीनिंग, इसमें भी नॉन प्रिंटेबल ऊपर है, तो इसमें भी नॉन प्रिंटेबल ऊपर रखा है मैंने, ठीक हो गया जी। अब ये कोड थोड़ा सा मेक सेंस होता है ना, जब एक जैसा होता है ना, तो कोड थोड़ा मेक सेंस करता है। रैप का ऑप्शन आपने यूज़ नहीं करना है, रैप का ऑप्शन आपने यूज़ नहीं करना, या तो कोई आप एक्सटेंशन यूज़ करें, जैसे ब्यूटीफाई वगैरह करके एक्सटेंशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ आप यूज़ ना करें जो आप बता रहे हैं ना। हाँ, कोड फॉर्मेटर इस्तेमाल करेंगे आप एक्चुअली, ठीक है। लेकिन कोड फॉर्मेटर ना इस तरह इस लेवल पे चीज़ों को शायद नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें आपको हाथ से करनी पड़ती हैं स्टिल। स्लैश ऐड कर देता है, नहीं, कौन सा फॉर्मेटर है ये, प्रीटियर ही मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ एक्चुअली। मैंने भी एक्चुअली प्रीटियर ही इंस्टॉल किया हुआ है ना, ये प्रीटियर, ठीक है, ये इनेबल हुआ हुआ है। अब जब मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेट करता हूँ, जब इसको मैं, हाँ ये नीचे देखो ना, ये प्रीटियर आ रहा है, तो मैं प्रीटियर जब दबाता हूँ ना, क्या होता है, प्रीटियर पर राइट क्लिक है, क्या है पता नहीं किस तरह ये, हाँ वेल अब फॉर्मेट डॉक में करूँगा जब, तो ये फॉर्मेट डॉक में, अच्छा यहाँ पे विथ आ रहा है, ये आ गया ना विथ, तो मैं विथ में सेलेक्ट करूँगा प्रीटियर, तो ये प्रीटियर ने ही एक्चुअली किया है, लेकिन ये क्या है, इसने दे दिया एरर दे दिया है, हाँ इसने एरर दे दिया, इसने बोला पता नहीं ये पैराग्राफ में पता नहीं क्या कुछ मस्ती हुई हुई है, कह रहा है कि पी को जो है ना, कोई लाइन नंबर 46 में कोई पी में कोई मसला है, ये लाइन नंबर 46, अब यहाँ पे कहीं पे कोई गड़बड़ है, नहीं ये जहाँ जहाँ पे पी का क्लोजिंग टैग है ना, ये वहाँ वहाँ पे एरर दे रहा है, नहीं एच आर में तो ये स्लैश इसी तरह होता है, एच आर में तो ये सही है, दोनों टाइप के काम करता है, ये जहाँ जहाँ पे पी क्लोज होता है तो ये वहाँ पे एरर पता नहीं क्यों देता है, लाइन नंबर 46 के अंदर ये पी क्लोज हो रहा है, इस पे ये कह रहा है कि क्या एरर है पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग पी टैग, इट मे हैपन ऑलरेडी बीन क्लोज बाई अनदर टैग, लाइन नंबर 46 पे ये कह रहा है कि यार पी तो ऑलरेडी क्लोज है, पी को जरा हम सर्च करते हैं, पी तो और कहीं है ही नहीं, पूरे कोड में कहीं पी और है ही नहीं, बस ये दो ही पी हैं पूरे पेज में मेरे, ये क्लोजिंग है ना, सही तो ही है। वेल छोड़ो उसको, प्रीटियर जो है वो, उसको कोई मसला पड़ रहा है, उसको कोई समझ नहीं आ रही बात कि ये क्या हो गया। अच्छा तो वेल मैं क्लीनिंग कर रहा था कोड की, कर लेते हैं यार जल्दी से इसको हम, ये जी आ गया मेरा, ये दो तो मैंने सेट कर लिया है,
अब ये बाकी के नीचे जो दो तीन है इसको भी सेट करके। अच्छा जी ये आ गया जी, ठीक हो गया जी। नहीं ये तो काफ़ी आगे जा रहा है, इसको मुझे नीचे ही रखना पड़ेगा। ठीक है ये YouTube हो गया और उसके बाद लास्ट में ये GitHub हो गया। तो ये मैंने कोड को क्या कर लिया, ज़रा इसकी फॉर्मेट फॉर्मेट करके कोड को ज़रा सीधा कर लिया। अच्छा मैं यार रिफ़्रेश करता हूँ और मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ और मैं अपने रिज़ल्ट को यहाँ पे एक दफ़ा देख लेता हूँ। दैट्स इट, ठीक है जी। अब आपने जो है ना अपनी CV के अंदर क्या करना है, इसी तरह से लिंक्स, सोशल लिंक्स आपने लगा लेने। तो ये जी असाइनमेंट आपको मैंने पहला ये दे दिया। अच्छा दूसरा काम अब हमने क्या करना है, एक तो हमने देख लिया कि यार लिंक टू अदर वेबसाइट हमने देख लिया, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम वेबसाइट। सही है, सेम वेबसाइट के ऊपर अगर दूसरे पेज पे मैंने जाना है, अभी तक हमने जो वेबसाइट बनाई है वो असल में एक पेज वाली वेबसाइट बनाई है, सिर्फ दो पेज वाली वेबसाइट हमने अभी तक नहीं बनाई है। ठीक है, अच्छा तो दो पेज वाली वेबसाइट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। अच्छा तो सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट में पेजेस हमें चाहिए होंगे। अच्छा तो मैं यहाँ तक इस वाले को ना मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि यार चैप्टर वन कह देता हूँ उसको मैं। सही है, या इसको HTML हेलो वर्ल्ड कह देता हूँ मैं, HTML हेलो वर्ल्ड कह देता हूँ। और इसके अंदर ये सारा उठा के मैं इसके अंदर मूव करवा देता हूँ HTML हेलो वर्ल्ड में। टेक्स्ट फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नया फोल्डर बना लेते हैं जी हम, और एक नया फोल्डर बना के मैं कहता हूँ कि टू और फोर पेज वेबसाइट। तो हमारे पास फोल्डर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक वन है जिसमें पुराना सारा काम मैंने यहाँ डाल दिया जो अभी तक हमने किया था, और अब टू के अंदर मैंने एक नई वेबसाइट बनानी है जो कि फोर पेजेस की वेबसाइट होगी। इस पॉइंट पे मैं ये बताता चलूँ कि आप जो ये फोर पेज वाली वेबसाइट बनाएंगे जो आज मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, वो आपने एक नई गिटहब की रिपॉजिटरी में बनानी है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने पुरानी रिपॉजिटरी में ही उसको ऐड किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आपने एक नई रिपॉजिटरी बनानी है ताकि पुरानी जो CV है वो अपनी जगह होस्ट रहे, क्योंकि एक रिपॉजिटरी में एक ही होस्टिंग हो सकती है एक वक्त में। ये नहीं हो सकता कि दो वेबसाइट बनाई और दोनों को होस्ट कर दिया, ये नहीं हो सकता। एक रिपॉजिटरी के अंदर एक ही GitHub पेजेस अलाउ करता है। तो आप एक नई रिपॉजिटरी बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड फोर पेजेस की एक वेबसाइट आपने अगली क्लास में बना के लानी है, क्योंकि आपको पूरा एक वीक अब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, जिसके अंदर पहले तो CV में मैंने आपको बता दिया कि CV में आप क्या करोगे, ये लिंक्स इस तरह से आपने अपनी CV पे लगा देना। ठीक है, उसके बाद ये फोर पेजेस वाली वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया। तो ये जो लिंक्स आप लगाओगे ना CV पे, ये तो चलो उसी पे लगा देना आप जो बनी हुई है, लेकिन ये फोर पेजेस वाली वेबसाइट में आपने हर हाल में एक नई रिपॉजिटरी बनानी है, पुरानी रिपॉजिटरी में ये काम नहीं करना है आपने। हाँ, चार पेज की वेबसाइट अबाउट होम गैलरी जो होता है ना, चार बटन होते हैं, चार पेज होते हैं। अच्छा, इस पे मैंने क्या किया, एक नई फाइल बनाई दैट इज़ कॉल्ड index.html। ठीक है, index.html पहली जो वेबसाइट का, हर वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसका नाम हमेशा index.html रखा जाता है। अच्छा, index.html के अंदर मैं आ गया, इसमें कुछ बेसिक HTML लिख दी मैंने ये, और बेसिक HTML लिखने के बाद मैंने एक हेडिंग लगाई कि भाई दिस इज होम पेज। ठीक है, ये मैंने कह दिया दिस इज होम पेज। ठीक हो गया। अच्छा, हम बिल्कुल कर सकते हैं, जो जो आता है सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, अपनी स्किल्स को अच्छी तरह आपने शो ऑफ करना है। अच्छा, अब मुझे तीन पेजेस और बना लेता हूँ मैं इसके। अच्छा, तो एक बना लेता हूँ about.html। ठीक है, अबाउट के अंदर मैंने गलती से ही क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया, इसको डॉट कर देता हूँ। ठीक
ठीक है, अबाउट डॉट एच टी एम एल हो गया, और क्या बना लूँ मैं, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, अच्छा और मैं क्या बना लूँ, एक बना लेता हूँ, अबाउट तो मैंने बना दिया, चलो गैलरी बना लेते हैं, ठीक है जी। ये चार पेजेस मैंने तैयार कर लिए। अब मसला ये है कि सबसे पहले तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं ओपन करता हूँ, जब यहाँ से कॉपी पाथ करता हूँ, और कॉपी पाथ करके मैं इसको ये लिखा हुआ जी, दिस इज़ होम पेज। अब इस होम पेज से दूसरे पेज पे जाने का, यानी बाकी के जो तीन पेजेस हैं वहाँ तक जाने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास अभी, तो वो मुझे बनाना पड़ेगा किसके ज़रिए, लिंक्स के ज़रिए। आ जाते हैं, लिंक्स बना लेते हैं। तो मतलब इस होम पेज के ऊपर मुझे क्या चाहिए होगा, एक अदद मुझे यू एल और एल आई उसके अंदर चाहिए होगा। अच्छा आप याद रखें हमेशा जो मेरा जो नेविगेशन बार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा ऐसे नेव के अंदर होगा वो, ठीक है। अच्छा अब आप बोलेंगे कि यार ये नेव क्यों, फिर इसके अंदर यू एल क्यों, फिर उसके अंदर एल आई क्यों, और फिर उसके अंदर ये एंकर टैग क्यों। ये जी सिमेंटिक रीजंस की वजह से, ठीक है, सिमेंटिक रीजंस हैं, क्योंकि क्रॉलर को पता लगना चाहिए कि ये नेविगेशन बार है। अच्छा नेविगेशन बार के अंदर एक लिस्ट होगी, है ना, लिस्ट होगी, और अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी वो। अच्छा और मेरे चार या पांच पेज हैं उस लिस्ट का पार्ट होंगे। अब वो चार पेजेस की लिस्ट है अगर, या पांच पेजेस की लिस्ट है, मेरे क्रॉलर को पता लग जाएगा कि अच्छा जी मेरी वेबसाइट के अंदर ये चार पेजेस हैं। तो नेविगेशन बार हमें हमेशा इस तरह से बनाना है सिमेंटिक रीजंस की वजह से। अच्छा तो पहला बटन जो होगा, मिसाल के तौर पर मैंने, आप कहाँ जाना है, मैंने जाना है मिसाल के तौर पर गैलरी में, ये मैंने क्या बना दिया, एक अदद एंकर टैग बना दिया ये, ठीक है, ये लिस्ट आइटम है, इसके अंदर एक दो तीन चार पेजेस होंगे टोटल मेरे। तो मैंने सबसे पहले क्या बना दिया, गैलरी। अच्छा गैलरी का एचरेफ क्या है, पहले तो मैं एचरेफ में लगाता था पूरी वेबसाइट https://, लेकिन अब यहाँ पे पूरी वेबसाइट नहीं लगेगी, अब यहाँ पे लगेगा डॉट स्लैश। डॉट स्लैश का मतलब है कि इसी फोल्डर में एक पेज पड़ा हुआ है मेरे, दैट इज़ कॉल्ड gallery.html, वहाँ जाओ। तो अब देखते हैं ज़रा इसका रिजल्ट, देखते हैं क्या है। अच्छा गैलरी पे मैंने तो कोई बात नहीं लिखी हुई ना, गैलरी पे जाके ज़रा मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज़ गैलरी पेज, सही है, दिस इज़ गैलरी, ताकि जब खुले तो पता तो लगे मुझे। रिफ्रेश करता हूँ मैं तो जब गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज़ गैलरी पेज पे मैं चला जाता हूँ, बैक करता हूँ गैलरी पे क्लिक करता हूँ गैलरी पे आ जाता हूँ, बैक करता हूँ फिर गैलरी पे आ जाता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा ये हो गया। फिर इसी तरीके से ना सिर्फ मुझे गैलरी पे जाना है बल्कि बाकी के भी तीन पेजेस पे मुझे जाना है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मुझे शायद चाहिए कि कॉन्टैक्ट पे शायद मैं जाना चाहूँगा, ठीक है कॉन्टैक्ट, और मैंने कहा कि डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट। अच्छा इसी तरीके से मैं जाना चाहूँगा अबाउट में, डॉट स्लैश अबाउट, ठीक है। बस ये और तो पेजेस हैं नहीं मेरे पास, तो ये तीन हो गया। आ जाते हैं हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पेज में क्या है, मैं गैलरी पे जा सकता हूँ और मैं बैक आ सकता हूँ, कॉन्टैक्ट पे जा सकता हूँ मैं। अच्छा कॉन्टैक्ट पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, आ जाओ कॉन्टैक्ट पे लिख देते हैं, सही है। और इसी तरह अबाउट में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, सही है। तो मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ और मैं अबाउट में जाता हूँ और मैं बैक आ जाता हूँ। इतना सब लोगों को समझ आया? Yes, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई ऐसी बात जो मिस कर गया हो? सर ये लिंक एक ही लाइन में कैसे लाएंगे? एक ही लाइन में हम वो CSS के जरिए लाएंगे, उसको अभी लाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। दोस्त ने सवाल किया कि जो लिंक तीन अलग अलग लाइनों में आ रहा है उसको हम एक लाइन में कैसे लाएंगे, वो हम स्टाइलिंग है वो, एक्चुअली CSS का काम है वो, तो अभी उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ तक अगर आप लोगों को सबको बात समझ आ गई है, देखो मैं बार बार इसलिए पूछता रहता हूँ कि समझ आ गया कि नहीं आ गया, ताकि समटाइम कोई ऐसी डिटेल होती है जो ज़ाहिर है मैं मिस करके निकल जाता हूँ कभी, या उसको इस तरह कहें कि ना
मैं कोशिश तो करता हूँ कि स्टूडेंट्स के लेवल पे आके मैं पढ़ाऊँ, लेकिन सम टाइम ये होता है कि एक सर्टन लेवल पे मैं चल रहा होता हूँ तो कोई और भी छोटी डिटेल होती है जो किसी बंदे को समझ नहीं आई होती। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को यही नहीं समझ आया कि यार ये पेज, ये तीन पेजेस बने कैसे, तो वो आप पूछ लिया करें, ठीक है, ताकि मैं फिर वो चीज़ कवर कर दूँ। जी डायरेक्ट लिंक मतलब अच्छा अच्छा ये डॉट स्लैश अगर ना लगाएं, हाँ तो इससे मसला होगा, इससे मसला ये होगा, देखो हाँ ये बड़ी अच्छी है आपने बात की है, ये डॉट स्लैश का मतलब होता है ना कि इस फोल्डर के अंदर एक पड़ाव है, ठीक है, और अगर मैं अगर इसको ऐसे करके लगाऊं मैं या मैं सिर्फ स्लैश लगाऊं तो इसका मतलब कुछ और होता है। अच्छा इसका क्या मतलब होता है? अच्छा विंडोज़ के अंदर ये डॉट स्लैश का और स्लैश का एक ही मतलब होता है, लेकिन लिनक्स के अंदर इसका मतलब अलग होता है, और हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वेब के कॉन्टेक्स्ट में ना, तो जब मैं इधर जाता हूँ और मैं जब गैलरी पे क्लिक करता हूँ, गैलरी पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो डॉट स्लैश अगर मैंने लगाया हुआ है ना, तो डॉट स्लैश का मतलब पता ही क्या है? डॉट स्लैश का मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाला स्लैश है इसके आगे हटा के और ये आपने ये वाली चीज़ लगानी है। अच्छा अगर मैं सिर्फ स्लैश लगाऊंगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो बेस यूआरएल है मेरे ब्राउज़र में उसके ऊपर स्लैश लगाओ, समझ रहे हो? तो ये एक छोटा सा फ़र्क है। अच्छा ये फ़र्क हमें मज़ीद वाज़े कब हो जाएगा? जब हम इसको होस्टिंग वाले यूआरएल पे चलाएंगे, जब हमें मज़ीद वाज़े हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जब हम इसको github.com पे जब होस्ट करते हैं ना, तो अगर आपके पास एक तो ये सीधे सीधे पेजेस हैं, जब मज़ीद और पेज होंगे ना कि जी मतलब गैलरी स्लैश फोटोज़, तो वहाँ पे ये मसला कर जाएगा, वहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा ऑब्वियसली। अच्छा और गिटहब पेजेस में तो शायद सीधे सीधे पेजेस में भी कर जाए प्रॉब्लम, सीधे सीधे पेजेस में इसलिए कर जाएगा कि github.com का जो यूआरएल होता है वो ज़रा मुख्तलिफ तरह का होता है। मैं आपको ज़रा यूआरएल खोल के दिखाऊँ, अच्छा अच्छा ये मैंने यूआरएल खोला जो लास्ट बनाई हुई थी हमने। अच्छा देखो अब ये यूआरएल में ना बेस यूआरएल कहते हैं इस पार्ट को, और उसके बाद देखो ये स्लैश लगा के इन्होंने ये बात लिखी हुई है। अच्छा अब अगर यहाँ पे लिंक मैंने लगाया कोई और उसमें मैंने लिखा डॉट स्लैश, तो डॉट स्लैश का मतलब होता है कि इसी स्लैश के आगे लगा दो, जो भी लास्ट स्लैश है ना उसके आगे लगाओ। और अगर मैं डॉट स्लैश नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ स्लैश लगाता हूँ, तो उसका मतलब है कि इसको पूरे को हटाओ और यहाँ पे स्लैश लगा के वो बात लिखो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो डॉट स्लैश ही हमें यहाँ पे अभी इस वक्त लिखना है। अच्छा दोनों करके ट्राई करना, देखना कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी ये हो गया मेरे पास। अच्छा यहाँ तक तो चलो सही हो गया, इसको बंद कर देता हूँ मैं। अब मसला ये है कि मैं जब गैलरी पे जाता हूँ तो वहाँ पे ये तो लिखा हुआ जाता है दिस इज़ गैलरी, लेकिन अब गैलरी से मुझे अगर अबाउट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे वापस होम पे आना पड़ता है और फिर अबाउट में जाना पड़ता है। अच्छा फिर अबाउट से अगर मुझे होम पे जाना है डायरेक्ट या मुझे किसी भी दूसरे पेज पे जाना है तो मुझे बैक करके ना वापस इस पे आना पड़ता है। अब इसका क्या हल निकाला जाए? इसका हल ये निकाला जाए कि यार ऐसा ही नेविगेशन बार मैं उस पेज पे भी बना दूंगा, ठीक है। हाँ सेव नहीं किया मैंने, सही है, रिफ्रेश। तो अब जब मैं गैलरी पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट का पेज एक दिख रहा है और अबाउट का दिख रहा है। अच्छा लेकिन होम का नहीं दिख रहा है, यहाँ पे होम पे वापस जाने का नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तो मैं गैलरी पे हूँ ना, मुझे होम पे जाना पड़ सकता है। तो अभी मैं गैलरी पे हूँ, अब मुझे होम पे जाना है, अब होम पे जाने का बटन नहीं है, मुझे बैक ही करना पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा मैं अगर गैलरी पे गया, फिर मैं कॉन्टैक्ट पे गया, फिर मैं अबाउट पे गया, फिर मैं गैलरी पे, फिर मैं कॉन्टैक्ट पे गया, अब मैं बैक करूँगा तो ये होम पे नहीं आएगा। अब बैक करूँगा तो होम पे थोड़ी आएगा, तो जिधर पहले था वहाँ जाता है। अब देखो ये होम पे जा ही नहीं रहा, मैं बैक कर रहा हूँ होम पे नहीं जा रहा। तो मुझे इसका मतलब है इस नेविगेशन बार में एक होम का भी बटन चाहिए मुझे, ठीक है। तो गैलरी पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ? होम लिखा मैंने और index.html के ऊपर मैंने भेज दिया। अब क्या होता है जब मैं गैलरी पे आता हूँ ना, तो मैं यहाँ से अब होम पे भी जा सकता हूँ डायरेक्ट,
मैंने क्लिक किया और मैं होम पे चला गया, सही है। अच्छा फिर वापस गैलरी में आ गया, अब गैलरी से मैं चला गया अबाउट के अंदर या कॉन्टैक्ट के अंदर, अब यहाँ पे फिर होम पे जाने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा उधर भी होम लिखूँगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे पास ये चारों जगहों पे एक जैसा नेविगेशन बार होगा। ठीक है, मैं किसी भी पेज पे चला जाऊं मुझे एक जैसा नेविगेशन बार दिख रहा होगा। ठीक है, मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा मुझे एक जैसा ही नेविगेशन बार दिख रहा है। तो ये मेरी क्या हो गई, चार पेजेस की वेबसाइट तैयार हो गई। ठीक है, मैं किसी भी पेज से कहीं भी जा सकता हूँ। देखो कॉन्टेक्स्ट है, अबाउट से मैं घूम रहा हूँ इसके ऊपर, गैलरी पे चला गया, इधर चला गया, फिर मैं होम पे चला गया। मैं किसी भी पेज से मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, इस नेविगेशन बार के बनाने से क्या हो गया, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आसान है, मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है, जो पूरा एक वीक है ना आपके पास, इस पूरे वीक का जो आपका असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपने आसपास ऐसे यूं नज़र दौड़ानी है और एक बिज़नेस सेलेक्ट करना है, किसी हेयर ड्रेसर की दुकान, कोई खाने का रेस्टोरेंट, किसी का भी बिज़नेस हो, आपका आपका नहीं हो, किसी और का बिज़नेस सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, कोई बस अड्डा हो, बसें जा रही हैं अभी जी, सवाद जा रही हैं कहीं, तो इस तरह कोई आपने बिज़नेस इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, कोई ब्यूटी पार्लर हो। नहीं, अपना पोर्टफोलियो नहीं बना दें, बिज़नेस सेलेक्ट करना है कोई, और वो एक रियल बिज़नेस होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ का या कहीं का भी एक रियल बिज़नेस होना चाहिए वो जो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे कि उस बिज़नेस की आप बनाएंगे वेबसाइट, उस बिज़नेस की आप बनाएंगे वेबसाइट। अच्छा कैसे बनाएंगे वेबसाइट आप, होम पेज के ऊपर क्या क्या होना चाहिए उस बारे में होना चाहिए कि जी ये है क्या, अगर कोई बस सर्विस है तो ये जी बस सर्विस है, और ये जो है ना इसकी में कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, ये कब कहाँ से निकलती है कहाँ जाती है, वो होम पेज पे टाइमिंग वगैरह सारी आ रही हो। और फिर कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या हो, वो उनका फ़ोन नंबर वगैरह सारा, एड्रेस, सब चीज़ें उसके ऊपर आ रही हूँ। और फिर उसके बाद अबाउट के अंदर ज़रा हो सकता है उसका कोई बंदा हो जो जो उस बस सर्विस को चला रहा हो, उसकी फ़ोटो लगी हुई हो, उसके बारे में लिखा हो कि बंदा कौन है मे बी, या उस बस सर्विस के बारे में लिखा हुआ, या उसकी तारीख के बारे में लिखा हुआ कि जी पता नहीं फ़लाँ सन से ये सर्विस चल रही है और बड़ी अच्छी चल रही है। सही है, तो इस तरह से आपने एक बिज़नेस को आइडेंटिफाई करना है, और बिज़नेस को आइडेंटिफाई करके आपने उसकी वेबसाइट पूरी तैयार करके लेकर आनी है नेक्स्ट। अच्छा अभी CSS मैंने लगाने के लिए आपसे नहीं कहा है, ठीक है, जितना पढ़ा है आपने उतने ही हिसाब से आपने वेबसाइट बनानी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा किसी को अगर CSS आती है या किसी को कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो वो अपनी स्किल्स को अच्छी तरह शो ऑफ कर सकता है इस असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, आपको जितना भी आता है आप सब इस पर अप्लाई करें। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि जी आपने CSS नहीं लगानी, इस तरह की कोई बात मैंने नहीं की, बिल्कुल आप लगाएं। लेकिन अगर आपको CSS नहीं आती है तो आप दिल बर्दाश्ता ना हो, जितना मैंने पढ़ाया है उतने के हिसाब से आप बनाएं। ठीक है ना, अच्छा तो कोई पकवान सेंटर या कोई रेस्टोरेंट या कोई चाय का होटल या कोई भी इस तरह का बिज़नेस आपने आइडेंटिफाई करना है, कोई हेयर ड्रेसर की दुकान, कोई डॉक्टर का क्लिनिक, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई बुटीक, कोई टेलर, कोई भी बिज़नेस आपने ये आइडेंटिफाई करके ना एक अदद, और उसके ऊपर ये पूरी वेबसाइट बनानी है। अच्छा आप फ़ोटो भी लगाना सीख गए, आप जाएंगे उस बिज़नेस में और वहाँ पे आप बोलेंगे कि यार आपकी मैं फ़ोटो लूँगा, यहाँ पे आपकी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट मिला है, या इस तरह की उसको बताएंगे आप। वैसे भी आजकल फूड की दुकानों पे जाओ ना तो अगर उसकी व्लॉगिंग करो तो बड़े खुश होते हैं वो, अगर फ़ोटो वोटो लो ना उसकी तो फूड वाले तो बड़े खुश होते हैं, खाने पीने की दुकान वाले। अच्छा बस अड्डे वगैरह वालों को शायद अभी इसका पता नहीं अंदाज़ा है या नहीं है, लेकिन उनको भी हो जाएगा, उनको बोलना यार हम व्लॉगर हैं, टिकटॉक के ऊपर हम आते हैं, हमारे बड़े व्यूज़ हैं, हम आपकी फ़ोटो लगाएंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, और लगा भी दें फिर उसकी आप एक बना के ना फेसबुक पे पोस्ट कर दें कि यार ये मैंने अपनी वेबसाइट, आप पोस्ट करेंगे ना सब जगह तो बस असल में उसकी मार्केटिंग हो जाएगी,
तो ये बात भी सही है, तो उसको बोलेंगे यार मैं आपकी मार्केटिंग करूँगा, या भले उसको बता दें कि आपकी मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, आपको मैं दे दूँगा आपकी वेबसाइट फ्री में, तो वो वैसे ही खुश हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बकायदा क्या करना है, उस लोकेशन पर जाके अगर तो उसकी फ़ोटो आपको मिल जाए कहीं से तो वो बात और है, आप वो यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप जाएंगे फ़ोन लेके अपना और वहाँ जाके उसकी आप फ़ोटो खींचेंगे बाहर के बैनर की, अंदर उसके किस तरह, जैसे अगर रेस्टोरेंट है तो टेबल चेयर्स वगैरह किस तरह खाना मिल रहा है उसमें, मेन्यू उसकी मेन्यू के फ़ोटो एक उसको लगा के ना आप, यानी ईच एंड एवरी डिटेल दैट यू कैन फाउंड अबाउट दैट बिजनेस यू विल पुट दैट इन योर वेबसाइट। के मिसाल के तौर पर अगर जैसे एक जायका चावल रेस्टोरेंट है, अब मैंने अगर उधर जाना है तो वहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है, कौन कौन सी डिशेस वो खिला रहे हैं, कितने पैसों में खिला रहे हैं, वहाँ पे सिटिंग किस तरह से है, काउंटर उनका किस तरह से है, वहाँ पे बंदा कौन है ऑनर, उसकी भी फ़ोटो लगी हुई हो, ठीक है, ऐसे यूं करके उसने फ़ोटो लगाई हुई हो ऐसे करके, है ना। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। अच्छा, ये सब लोगों से हो जाएगा? अच्छा, सब लोगों ने अलग अलग बनाना है, ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे, अच्छा यार तुम यहाँ जा रहे हो तो मैं भी साथ चलता हूँ, नहीं इस तरह नहीं करना है आपने। ये हर बंदे ने अपना एक खुद टॉपिक सेलेक्ट करना है, खुद एक अलग से बिजनेस आइडेंटिफाई करना है, ये एक दूसरे से आप इसमें प्लीज़ मशवरा ना करें। वंस आप बिजनेस, हाँ कुछ भी हो सकता है, सर्विसेज क्या, हेयर ड्रेसर सर्विस, एक रियल बिजनेस होना चाहिए। मैं फ़ोन नंबर पे कॉल करके चेक करूँगा जो तुम लगाओगे ना वेबसाइट में, उस पर कॉल करूँगा मैं, फ़ोन नंबर उस पर एड्रेस की सारी चीज़ें मैं एड्रेस चेक करूंगा कि ये रियल बिजनेस है या नहीं है। तो रियल बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो, चाहे वो कोई मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे वो कोई चाय की दुकान हो, लेकिन एक रियल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़। हाँ कर देता हूँ।